Everyone, welcome to Economics Window by Garima Singh. Today we are going to continue with our chapter number 3, Hitler and the Rise of Nazism. This is the part 2. I hope by now you have seen the part 1. So till now, we have learned about the war, right? The First World War mein hamari roots thi, Second World War ke liye, aur humne dekha ki jo wahan ki parties thi, kaun si Democratic Political Party jo wahan ki thi, Webnyar Republic jo thi, uske पास लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं था, राइट? आज हम बात करेंगे पोस्ट वॉर क्राइसिस कि वॉर के बाद क्या क्राइसिस रहे. बेसिकली हम इकोनॉमिक क्राइसिस की पहले बात करेंगे. हमने अभी तक देखा था कि जर्मनी के अंदर कैसी सिचुएशन चल रही थी, ऑल्सो कि वॉर के बाद क्या कुछ रहेगा अभी हम देखेंगे. ओके, 1923 में जर्मनी रिफ्यूज कर देता है टू पे दैट 6 बिलियन जो वॉर के बाद उसके ऊपर जर्मनी, क्योंकि हार गई थी, जर्मनी के ऊपर जो क्लेम रखा गया था कि 6 बिलियन रुपीज आपको फ्रांस को पे करने हैं, राइट? तो जर्मनी ने इधर वो पे करने के लिए मना कर दिया. और तो फ्रांस ने क्या बोला, दैट वी विल ऑक्यूपाई योर रूर रीजन. बताया था ना ट्रीटी ऑफ वर्सलीस के बाद जो कितने सारे रीजन है जो जर्मनी से निकल के बाकी दूसरे नेशंस ने ऑक्यूपाई कर लिए थे. तो जब इन्होंने वो जो 6 बिलियन रुपीस देने के लिए मना किया तो फ्रेंच ने बोला कि हम लोग रूर रीजन को ऑक्यूपाई करेंगे. कंफ्यूज नहीं होना, रूर जो है एक रिवर का नेम है विच क्रॉसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ राइनलैंड. राइनलैंड मैंने आपको पिछली वीडियो में मैप पे दिखाया था, इट इज अ रीजन विच इज रिच इन कोल, राइट? तो यहां क्या हुआ, जर्मनी ने तब देखा कि फ्रेंच लोगों ने उनके वो रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया है. अब जर्मनी को भी तो कुछ गुस्सा आया, तो वो रिटेलिएट कैसे करेगा, कैसे जवाब देगा? सो जर्मनी रिटेलिएटेड विद प्रिंटिंग ऑफ पेपर करेंसी. उन्होंने करेंसी छापनी शुरू कर दी ताकि वो 6 बिलियन रुपीज उनको वापस दे सके. एक बहुत ही छोटी सी बात है जो आपको यहाँ समझनी है. कई बार आप लोग भी सोचते होंगे, जैसे हमारी नेशन में कुछ भी चीज़ हो जाती है, कभी भी कैश क्रंच हो जाता है, तो आप सोचते होंगे क्यों नहीं हमारा जो सेंट्रल बैंक है RBI वो पेपर करेंसी प्रिंट कर दे और ज़्यादा करेंसी बना दे. लेकिन कभी भी कोई नेशन अगर मोर देन द रिक्वायर्ड करेंसी प्रिंट कर देता है, करेंसी इशू कर देता है, तो उससे इन्फ्लेशन आता है इकोनॉमी में. इन्फ्लेशन मतलब अचानक से महंगाई आ जाएगी, राइजिंग प्राइस हो जाएगा. ओके, सब लोगों के पास पैसा होगा तो सब लोग अफोर्ड कर पाएंगे चीज़ें, आई होप यू अंडरस्टैंड. और अगर क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हर कोई हर चीज़ ले सकेगा, तो अब इसमें द बेस्ट जो प्राइस ऑफर करेगा उसको वो चीज़ मिलेगी, देयरफॉर महंगाई आ जाती है, राइज इन प्राइस हो जाता है. यहाँ जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ऑल्सो रिटेलिएटेड विद प्रिंटिंग ऑफ पेपर करेंसी. बहुत ज़्यादा उन्होंने करेंसी छापी जिसकी वजह से जो उनकी करेंसी है जर्मनी मार्क, इसकी वैल्यू गिर जाएगी. कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कम हो जाती है. ऐसे ही जर्मनी मार्क जो जर्मनी की करेंसी है उसके साथ हुआ. अब क्या हुआ, प्राइजेज ऑफ द गुड्स सडनली इंक्रीज लीडिंग टू द सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन. वहाँ हाइपर मतलब जो मेरी बहुत ज़्यादा महंगाई आ जाएगी, हाइपर इन्फ्लेशन सिचुएशन अराइज हो गई जर्मनी में. अब यहाँ एक और प्लेयर आएगा विच इज़ US. US थोड़ी सी सिंपथी दिखाएगा जर्मनी के टूवर्ड्स, वो बोलेगा कि वाई नॉट आई हेल्प यू आउट. US जर्मनी को मदद करने के लिए पहुंचेगा और US यहाँ एक डॉज प्लान इंट्रोड्यूस करेगा टू हेल्प जर्मनी. अब आप सोचोगे डॉविस प्लान क्या है. बेसिकली ही इज द वन हु वाज मिस्टर डॉविस, इन्होंने प्लान इंट्रोड्यूस किया था. इन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया कि जिससे US जर्मनी को हेल्प कर पाएगा, जर्मनी जिसकी वजह से आगे फर्दर फ्रांस को अपने जो वो अमाउंट उनको पे करनी थी वॉर की वो दे पाएगा, और बदले में फ्रांस सारा पैसा US को लौटा पाएगा जो वॉर के टाइम पे उन्होंने उनसे उधार किया था, कुछ भी इंपोर्ट करवाया था वहाँ से. ओके, तो बेसिकली US वॉज अ स्मार्ट प्लेयर, उसको ही फायदा था सब जगह से, राइट? तो डॉविस प्लान 1923 में आता है, US लेके आता है टू हेल्प आउट द जर्मनी. ओके, क्योंकि यहाँ वॉर पोस्ट वॉर क्राइसिस चल रहे थे, जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन गई थी. तो US ने यहाँ बोला US लेंड्स मनी टू जर्मनी विच इज स्पेंड इन बिल्डिंग अप द जर्मन इकोनॉमी. US जर्मनी को पैसे देगा ताकि वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके. यहाँ हाइपर इन्फ्लेशन थी, लोगों के पास
बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई थी लोगों के इधर, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गया था। तो यूएस ने बोला कि मैं यहाँ तुम्हें उधार देता हूँ ताकि तुम अपने यहाँ इकोनॉमी को फिर से बिल्डअप कर सको, फिर से तुम्हारे यहाँ काम काज स्टार्ट हो सके। बदले में जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने अपनी जो जर्मनी की गवर्नमेंट थी उन्होंने इन पैसों को यूटिलाइज किया और इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की, ताकि वो फ्रांस से लिए हुए जो उनको क्लेम है, फ्रांस ने जो किया हुआ है 6 बिलियन रुपीज़, वो रिटर्न कर सकें। और यहाँ फ्रांस को जब पैसे वापस आएंगे तो फ्रांस विल रीपे बैक टू यूएस जो वो वहाँ से इम्पोर्ट करवाता है गुड्स जो कि फ्रांस ने या उससे पहले उधार लिया था यूएस से। तो बेसिकली दिस वॉज द डॉविस प्लान इन 1923 जो यूएस ने इन फॉर द सेक ऑफ सिंपथी जर्मनी में इंट्रोड्यूस किया था ताकि उसकी मदद कर सके। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री में, ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन, डिप्रेशन वर्ड तो आपने वैसे भी सुना होगा, मतलब बहुत ही बुरा चीज, बुरी हो जाएंगी सब चीज़ें, हर चीज़ बुरी होती चल जाएगी। एंड दिस वॉज द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। अभी तो जर्मनी की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टेबल थी, ठीक ठाक चल रही थी, नॉर्मल ईयर था 1924 से 28 तक। जर्मनी थोड़ा थोड़ा रिकवर भी कर रही थी उनकी इकोनॉमी क्योंकि वो लोन ले रहे थे यूएस से। लेकिन अचानक से जो शेयर बाजार है, जो शेयर मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है जर्मनी का, वो क्रैश हो जाता है 1929 में। और जब शेयर मार्केट की अगर आपको ज़्यादा नॉलेज होगी तो आपको पता होगा तब स्टॉक मार्केट में शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। तब वैल्यू गिरती है तो बहुत ही बुरा झटका भी लगता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। 1929 में जहाँ द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो जर्मनी की हमारे स्टॉक मार्केट था वो क्रैश हो जाती है, क्रैश मतलब बहुत ही भयानक से उनके रेट्स गिर जाते हैं। इसकी वजह से लोग बहुत डर जाते हैं, अपने शेयर्स सोल्ड आउट कर देते हैं सोच के कि आने वाले टाइम में इसके भी प्राइजेस गिर जाएंगे। नेशनल इनकम जो है जर्मनी की एकदम हाफ हो जाती है। सपोज अगर वो 100 रुपीज़ थी उसकी इनकम, तो इस फॉल की वजह से वो सीधी ही रिड्यूस टू हाफ, 50 रुपये पे आ जाती है। और इसका इफेक्ट ना सिर्फ जर्मनी में देखने को मिला, बट दिस इफेक्ट वॉज फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यही जो ईयर है 1929 to 30, दिस ईयर इज मार्क्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन द वर्ल्ड, राइट? उसके बाद जब कोई भी इकोनॉमी डिप्रेशन में जाएगी तो क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा, इसका इम्पैक्ट रहेगा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जर्मनी के केस में इट रिड्यूस टू 40%, 40% उनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गई। वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स, उनके पास काम नहीं रहे, सबकी नौकरियां छूट गई, जो भी लोग काम कर रहे थे उनकी वेजेस बहुत ज़्यादा कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, विच इंक्रीज अप टू 6 मिलियन। क्रिमिनल एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई, करेंसी के गिरने की वजह से इनकम और सेविंग जो है वो भी डिक्रीज हो गई। लोगों के पास इनकम नहीं थी, इनकम नहीं होगी तो वो सेव कहाँ से करेंगे। बिजनेस जितने भी थे वो सब रुइन हो रहे थे। और ना ही सिर्फ बिजनेस या इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इम्पैक्ट था, बल्कि एग्रीकल्चरल जो प्राइस थे उन पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा और पीजेंट्स को भी सफ़र करना पड़ा। सब चीज़ के चलते जर्मनी में हमने एक फीलिंग ऑफ प्रोलेटरनाइजेशन देखी। आप सोच रहे होंगे कि ये टर्म क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इट मीन्स जब जो वहाँ के रिच सेक्शन है वो भी वर्किंग क्लास के लेवल पे आ जाएं, मतलब सब लोग बर्बाद हो जाएंगे, सबके पास पैसों की कमी हो जाएगी, राइट? क्योंकि दिस वॉज द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। सो अब आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जहाँ इस पिक्चर में सब लोग बैठे हुए हैं और सब लोग डिमांड कर रहे हैं, वी वॉन्ट वर्क, उनको काम चाहिए ताकि इनकम हो उनकी, ताकि उनकी लिविंग इजी हो जाए। यहाँ कोई भी जॉब कुछ भी नहीं बचा था। इवन द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वॉज इम्प्रोवाइज टू द लेवल ऑफ द वर्किंग क्लास, राइट? नाउ जब मैं बात करूंगी ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, और ग्रेट डिप्रेशन की वजह से ना ही सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हिली थी जर्मनी की, बट ऑल्सो पॉलिटिकल एटमोसफियर में भी काफी चेंजेस दिखे। हमने देखा था पहली वीडियो में जब मैंने आपको बताया था वियमर रिपब्लिक के बारे में, कि लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, हर चीज़ के रीज़न वो वियमर रिपब्लिक से मांग रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आज हमारे देश में कुछ भी होता है तो हम किसको क्वेश्चन करेंगे, जो सेंटर पे गवर्नमेंट रूल कर रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, राइट? सिमिलरली यहाँ कौन रूल कर रहा था, वियमर रिपब्लिक।
तो वो क्योंकि फेल हो रही थी, वो कोई भी सोल्यूशन ऑफर नहीं कर पा रही थी प्रॉब्लम्स को लेके. ऑल्सो हमने पढ़ा था वीएमआर रिपब्लिक में दे वॉज सम इनहेरिट डिफेक्ट्स, तो वो बनी थी कुछ डिफेक्ट्स थे उसमें, सच एज कि कोई भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, कोई भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती थी और हमेशा रूल ऑफ कोएलिजन रहता था. एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो दो जो माइनॉरिटी पार्टी है वो मिलके आएंगे और एक सरकार बनाती है, राइट. और इसी टाइम हमने देखा आर्टिकल 48. आर्टिकल 48 आता है जर्मनी के अंदर. आर्टिकल 48 प्रेसिडेंट को राइट देता है कि इमरजेंसी लगा सके. ओके, इमरजेंसी में जितने भी सिविल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं और हम प्रेसिडेंट के हिसाब से ही फंक्शन करते हैं, नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाता है नेशन में. अगर मैं इस पूरे सिचुएशन की बात करूं तो हम यहां देख पाते हैं कि यहां दिस टाइम जर्मनी वॉज अगेन वल्नरेबल टू द डिक्टेटरशिप. ऐसा लग रहा था फिर से डिक्टेटरशिप आने वाली है जर्मनी में. एट द सेम टाइम लोगों ने वहां कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर दिया था. उनको डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वीएमआर रिपब्लिक वर नॉट एबल टू गिव देम दिस सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. तो उनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था और हम देख रहे थे इट वॉज मूविंग टूवर्ड्स द सिनेरियो ऑफ डिक्टेटरशिप, राइट. उसके बाद आते हैं द हीरो ऑफ दिस चैप्टर, जिनके बारे में हम टाइटल से पढ़ते आ रहे हैं, हिटलर हिटलर हिटलर. दिस इज द टाइम वेयर विल गेट टू नो अबाउट द राइज ऑफ हिटलर, वे हिटलर कैसे राइज करेगा टू पावर. उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया जाए हिटलर के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है तो आपको ये पॉइंट्स आपकी टिप्स पे लर्न होने चाहिए. हिटलर की बात करते हैं, ही वॉज बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया और उन्होंने खुद को आर्मी में इनरोल करवा लिया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इसके चलते हिटलर बिकेम अ कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी. कॉर्पोरल क्या है, जब एक डेजिग्नेटेड ऑफिशियल या ऑफिसर बन जाएगा वो आर्मी में, और उन्होंने इतना अच्छे से आर्मी में सर्व किया कि उनको ब्रेवरी के मेडल्स भी मिले हैं. लेकिन अब क्या था, हिटलर वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड हेटेड द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज. उसने बोला कि जो जर्मनी की हार हुई है जिसकी वजह से उन्हें ट्रीटी ऑफ वर्सलीज एक्सेप्ट करनी पड़ी है, वो हिटलर को समझ में नहीं आ रही थी कि जर्मनी ही क्यों सफर करे. 1919 में हम देखेंगे कि वो जाके एक जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे और लेटर ही विल रीनेम इट एज द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. अब यहाँ हिटलर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या एक और उनकी एक अच्छी क्वालिटी क्या थी, ही वॉज अ पावरफुल स्पीकर एंड अ गुड ओरेटर. वो बहुत अच्छा बोलते थे और बहुत गुड ओरेटर, मतलब जो अपनी स्पीच से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, ये क्वालिटी हिटलर के अंदर थी. उन्होंने पूरा ध्यान लगाया, उन्होंने फोकस किया कि जितना भी इनजस्टिस हुआ है जर्मनी के साथ वो उस चीज़ को ठीक कर देंगे और प्रॉमिस किया कि वो एक जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे. और जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंस है या जितनी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जितने भी इसके जर्मनी के खिलाफ जितनी भी चालें चली जा रही है, वो सब खत्म कर देंगे. देयरफॉर हिटलर हैड हिज ओन प्लान एंड विजन टू अचीव. उनके पास उनका पाथ क्लियर था, उनके प्लान्स क्लियर थे, उनके पास विजन था, टारगेट था कि उनको एक जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है. सो दिस वॉज द बैकग्राउंड अबाउट हिटलर. उसके बाद बात करते हैं 1923 में प्लानिंग होती है, हिटलर प्लान करता है टू सीज द कंट्रोल ओवर द बावेरिया रीजन. बावेरिया रीजन है साउथ ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ जर्मनी. वहां जाके वो सोचते हैं कि पहले इस एरिया को मैं अपने कंट्रोल में ले लेता हूँ. सो ही मार्च टूवर्ड्स बर्लिन एंड कैप्चर द पावर. वो सोचते हैं कि बर्लिन की टूवर्ड्स में मार्च करके जाऊंगा और पूरा वो रीजन कैप्चर कर लूंगा, लेकिन वो फेल हो जाते हैं. इस अटेम्प्ट की वजह से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और ट्रेसन की सजा दे दी जाती है. उनको बोला जाता है कि यहाँ से इनको निकाल दिया जाए देश से. लेकिन आफ्टर द रिलीज वो फिर से स्ट्रगल करना शुरू करते हैं. वो कहते हैं कि मुझे पावर में आना है और प्रॉमिस करते हैं मैं जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा. लेकिन क्या होता है, 1928 के इलेक्शन में जो नाजी है, नाजी पार्टी थी, उनको सिर्फ 2.6% वोट मिलते हैं. रिचस्टैग उनका पार्लियामेंट था जर्मनी में. तो वहां नाजी पार्टी को 1928 के इलेक्शन में ज्यादा मेजोरिटी नहीं मिलती है. लेकिन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन नाजीज्म जो है एक मास मूवमेंट बन जाएगी और इसके बाद
हम देखेंगे 1932 के फिर से जब इलेक्शन होंगे तो नाजी पार्टी को 37% वोट मिलेंगे और नाजी पार्टी विल बिकम द लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो इस पार्टी के जो प्रोपेगेंडा थे, जो उनके आइडियाज थे, जो वो प्रोमिसेस कर रहे थे, वो ज्यादा फेमस होते जा रहे थे और हिटलर भी अब ही वॉज टेकिंग द एडवांटेज टू कम इन टू द पावर। आई होप टिल नाउ द स्टोरी इज क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं नाजी जो प्रोपेगेंडा था, जो उनकी प्रोमिसेस थी, जो हिटलर ने लोगों को दिए कि मैं एक बहुत ही न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स लाना चाहता हूँ, यहाँ जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना चाहता हूँ, जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं उनको निकाल दूंगा और कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं रहेगी जर्मनी के खिलाफ। इस चीज़ को देखते हुए हमने देखा एक न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स आया। इसके अंदर वो रिचुअल्स और स्पेक्टिकल फॉर मास मोबिलाइजेशन, वो काफ़ी सारे ऐसे पुराने रिचुअल्स यूज करता था ताकि सारे लोग इकट्ठे आ सकें। मैसिव रैलीज हमने देखी, पब्लिक मीटिंग्स देखी हमने, रेड बैनर, स्वास्तिक जो उनकी पार्टी का साइन था वो वाले साइन आए, नाजी सैल्यूट होते थे, रिचुअल्स होते थे और उस चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था ताकि लोगों में यूनिटी की एक भावना जागे। दिस वॉज डन स्किलफुली टू प्रोजेक्ट हिटलर एज मसीहा, अ सेवियर। और ये सब के चलते हिटलर को कैसी इमेज दे दी गई, एक मसीहा, एक सेवियर जो जर्मनी को बचाएगा, राइट? दिस कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हु सेंस द डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शैटर्ड। जो वॉर के बाद लोगों ने वियमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे थे, उन्होंने यहाँ देखा कि शायद जो चीज़ हम महसूस कर पा रहे हैं वो जो हमारी डिग्निटी हमने लूज कर दी थी वॉर के टाइम हार के, शायद वो फिर से हमारी रिस्टोर हो सकती है, हमें हमारी इज्जत और सम्मान वापस मिलेगा। देयरफॉर द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड द सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड फॉर द राइज ऑफ हिटलर। जितने भी एक क्रैश चल रहे थे, क्लैशेस हो रहे थे पोस्ट वॉर, चाहे वो इकोनॉमी में हो रहे थे, चाहे वो पॉलिटिकल ग्राउंड पे थे, चाहे वो सोसाइटल ग्राउंड पे थे, ये सारे मिलके हिटलर को फेवर करेंगे एंड हिटलर विल राइज टू पावर नाउ। सो गाइज, दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स विंडो बाय गरिमा सिंह। And if you like this video, then do not hesitate to press in that thumbs up icon and also comment down below how did you find the video. Stay tuned, part 3 is coming shortly.